हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। तो हम आ गए हैं फ्रेंड्स आपसे वापस मिलने के लिए, एक और नए सुहाने सफ़र पे ले जाने के लिए। तो चलिए सफ़र शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है, हम फ़िलहाल रोड ट्रिप कर रहे हैं जयपुर की सड़कों पर। जी हाँ फ्रेंड्स, हम जयपुर में जा रहे हैं फ्रेंड्स, और हमने पिंक सिटी में एंट्री कर ली है। तो इस टाइम हम जयपुर की सड़कों पर इस तरीके से घूमते फिरते हम रोड ट्रिप का अनुभव कर रहे हैं। पिंक सिटी में हम पहुंच चुके हैं फ्रेंड्स। दिल्ली से हम जयपुर गए थे, फिर वहां से हम पुष्कर गए थे। पुष्कर का व्लॉग मैंने आपको दिखाया, जो आप सभी को बहुत ही अच्छे से पसंद आया, आपने बहुत से अच्छे से लाइक भी किया उसको। वहां की जो भी मैंने स्टोरी बताई थी आपको, आपने बहुत ही अप्रिशिएट किया। और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम एक और सफ़र पे ले जाने वाले हैं आपको। तो लीजिए फ्रेंड्स, आपके लिए तैयार हो गया है जयपुर का भी ट्रिप। बहुत ही अच्छे से मैंने दिखाया है, कोशिश की है कि आप हर एक चीज़ को अच्छे से अनुभव करें हमारे साथ साथ। तो चलिए चलते हैं रोड ट्रिप का मज़ा लेते हुए जयपुर की तरफ फ्रेंड्स। और ये देखिए, इस तरीके की सड़कें कुछ बनी हुई हैं वहाँ पे। ऊपर था रेल, मेट्रो ट्रेन का ट्रैक था ये ऊपर, और हम इस तरीके से पुल पे चढ़े और हमने अपना सफ़र शुरू किया हुआ है। तो हम ऐसे ही घूमते घूमते हम पहुंच गए थे वहाँ पे, रोड ख़त्म हो चुका था। और फिलहाल हम यहाँ पे कोई होटल ढूंढ रहे थे फ्रेंड्स। होटल्स तो लगभग यहाँ पे सभी बुक थे, हाउसफुल हो रखा था सब में। तो हम यहाँ पे वेट कर रहे थे, किसी फ्रेंड से बात की हुई है इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने, तो वहाँ मिलेगा हमें होटल। और यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका था हमारा होटल, उन्होंने हमें बताया एड्रेस वगैरह सभी। और बस जयपुर की गलियों में घूमते हुए हम अपने होटल का वेट कर रहे थे कि हमारा होटल कब आए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हम इस टाइम जयपुर की गलियों में हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, बिल्कुल वैसा ही नज़ारा है ना। ये देखिए, मैं आपको दिखाती हुई चलती हूँ सारा धीरे धीरे। जैसा दिल्ली में है ना सीपी, कनॉट प्लेस की मार्केट है, जो बिल्कुल सेम उसी ही तरीके का, उसी ही तर्ज पर यहाँ की मार्केट भी बनी हुई है फ्रेंड्स। ये देखिए, दोनों साइडों पे छोटी छोटी दुकानें और कई तरीके से नाम लिखे। फ्रेंड्स, हम अपने होटल भी पहुंच चुके हैं। कुछ इस तरीके का रूम है यहाँ पे, दो बेड्स हैं और वॉशरूम वगैरह, और बहुत ही साफ़ सुथरा अच्छा होटल मिल गया था हमको। और सब कुछ था यहाँ पे, टीवी, अलमीरा वगैरह, सब सामान रखने की सारी सुविधाएं थी। और हमने फिर यहाँ पे आराम किया अच्छे से, थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, लंच वगैरह किया, फिर हमने दोबारा से सफ़र शुरू कर दिया था घूमने के लिए। और फिर हम निकल चुके, हल्का फुल्का खाना वाना खाया हमने, शाम हो चुकी ही थी। और फिर हम शाम के टाइम फिर रोड ट्रिप हमने दोबारा से शुरू कर दिया था। फिलहाल हमने अपनी गाड़ी होटल की पार्किंग में ही पार्क कर दी थी, और हमने वहीं पे वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया कि यहाँ से एक ई रिक्शा हायर कर लीजिए, फिर उससे आप यहाँ के आसपास की सभी चीज़ें जो भी हैं ना, पास पास
तो वो आप आराम से घूम पाएंगे। तो हमने भी सेम यही करा, हमने ई रिक्शा हायर किया एक, तो कुछ चार्जेस थे उसके बहुत ही ठीक अच्छे प्राइजेस में, उसने हमें जो जो पास पास चीज़ें थी ना वो घुमाई। तो हमारे होटल के पास ही, मैंने जैसे बताया कि हवा महल के पास था, जहाँ हम पहुँच ही चुके थे, 5 से 7 मिनट में पहुँच गए थे। ये देखिए फ्रेंड्स, लग रहा है ना बहुत ही सुहाना, बहुत ही इंटरेस्टिंग, और रात के टाइम देखने में तो अलग ही मज़ा आता है। देखिए इस तरीके का कलर लगता है, और बहुत ही जानदार और शानदार हवा महल हमने देखा, और हम तो देख के हैरान ही हो गए कि इतना सुंदर भी लग सकता है, एकदम ब्लू कलर का और बहुत ही सुंदर तरीके से बना हुआ, इतनी अच्छी कारीगरी कि बस देखते ही वाह वाह निकले हमारे मुंह से, और आप सभी के मुंह से ही निकलेगा। तो हम यहाँ पे रुके कुछ देर के लिए, फ़ोटोज़ वगैरह कराए फ्रेंड्स हमने, और बस फिर आगे बढ़ दिए हम। तो सीधा हवा महल के कुछ ही दूरी पर ये था, एक और किला था यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ शॉप्स वगैरह थी, वहाँ से हमने थोड़ी बहुत कुछ ख़रीदारी की, जयपुर कुछ जूतियाँ वगैरह, मोजरी वगैरह ली, और फिर हम वहाँ पे उसके बाद कुछ और शॉप्स में भी गए। तो ये बहुत ही अच्छा नज़ारा देखने को मिल रहा था हमें फ्रेंड्स। तो फिर हम एक शॉप पे, एक और शॉप पे गए, तो हमें सिर्फ यहाँ पे पता है क्या मिला, ये जो सारी मोजरियाँ जूतियाँ देख रहे हैं ना आप, ये चमड़े की नहीं है, ये जो मैंने बताया था ना राजू, जैसे कि हमने इस पे सफ़र किया था जो पुष्कर व्लॉग में मैंने दिखाया था, तो मुझे राजू की याद आ गई। उन्होंने हमसे बोला कि ये जो मोजरियाँ थी वो ऊँट की खाल की बनाई जाती हैं, ना कि किसी वैसे चमड़े की। तो हमें बड़ा अजीब सा लगा ये सुन के कि ऊँट की खाल की भी क्या मोजरियाँ बन सकती हैं। वो कह रहे थे कि ये मोजरियाँ ना बिल्कुल फोल्ड हो जाती हैं, बिल्कुल आप इसको पॉकेट में भी डाल के ले जा सकते हैं। तो बड़ा हमें ना उसकी याद आ गई, जो हमने राजू पे सफ़र किया था ना पुष्कर व्लॉग में, आप देखिएगा पीछे जाके व्लॉग में, तो हमें उसकी याद आ गई कि अरे हमने तो उस पर सफ़र किया था और उसकी ऐसे भी हो सकता है। चलो फिर हम, कोई नहीं, हम रात के टाइम फिर हम और आगे गए और हमने अपना सफ़र थोड़ा और कंटिन्यू किया। तो अब इस टाइम पे हम आ चुके थे जल महल, बता रहे थे यहाँ पे रात के टाइम जल महल भी बहुत ही सुंदर लगता है, जिसकी पानी में परछाई बहुत ही सुंदर और इतना चमचमाता हुआ आलीशान लगता है, इतना शांत लगता है यहाँ पे आके जल महल को देखना और वहाँ पे फ़ोटो सेशन वगैरह करना। तो ये जो भाई साहब बुला रहे थे ना, तो हमें ही बुला के ले जा रहे थे, उन्होंने हमें पगड़ी वगैरह बांधी, ट्रेडिशनल पगड़ी जो होती है राजस्थानी जयपुरी, तो वो बांध के हमने यहाँ पे अपना थोड़ा बहुत फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराए, और उन्होंने हमें फ़ोटोज़ बना के भी दी, बहुत ही सुंदर सुंदर फ़ोटो ही निकाल के दी। तो ये था जल महल फ्रेंड्स, तो ये बिल्कुल पानी के बीचों बीच था। तो अब बारी आ जाती है एक और ऐसे महल की, जिसके बारे में मैंने आपसे पुष्कर व्लॉग में लास्ट में बताया था फ्रेंड्स। याद आ रहा है कुछ आपको पुष्कर व्लॉग? देखिएगा पीछे जाके मेरी वीडियोज़ में कि मैंने क्या बताया था आपको। तो हम उस वाले महल में जा रहे हैं फ्रेंड्स, जहाँ पे प्रेम रतन धन मूवी है ना, वहाँ की शूटिंग हुई थी इस वाले महल में। उस मूवी की शूटिंग यहाँ पे हुई थी फ्रेंड्स, प्रेम रतन धन पायो है ना, जो सॉन्ग भी इसी महल में आजमाया गया था, शूट हुआ था। और आप भी देखिए इस महल को अच्छे से। और हमने तो यहाँ पे भी रुके हम कुछ टाइम के लिए, और रात के टाइम ही ऐसी जगहों का मज़ा आता है, क्योंकि यहाँ पे रंग बिरंगी इतनी प्यारी प्यारी लाइटनिंग हो रखी होती है ना, देखते ही मज़ा आ जाता है। तो हम यहाँ पे कुछ देर के लिए रुके, अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ क्लिक किए, और हमने बहुत ही इन्जॉय कराई इस सफ़र का। तो हमने आपको भी ये दिखाया, देखिए आप भी इन्जॉय कीजिए, कितना सुंदर कितना सुकून भरा लग रहा है ना ये सफ़र फ्रेंड्स। तो बने रहिए हमारी वीडियोज़ के साथ। तो ये हम अपने होटल में वापस चले गए थे, हमने ऐसे कुछ गाड़ी पार्क की हुई थी, और फिर हम सुबह के समय फिर से हम फ्रेश होके फिर वहाँ पे हम जल महल में दिन का नज़ारा देखने के लिए चले गए। तो दिन में कुछ इस तरीके का जल महल दिखता है फ्रेंड्स। अब आप सोचेंगे कि जल के अंदर महल? जी हाँ फ्रेंड्स, तो राजा उन्हें ना अपने महल को जल के अंदर बनवाया हुआ था, और यहाँ पे ऐसे वैसे जाना नहीं होता था, नाव के ज़रिए जाते थे एक महल से दूसरे महल। और फिर हम उसके बाद चले गए थे बावड़ी, जहाँ पर बहुत सारी सीढ़ियाँ थी, वहाँ पर स्नान वगैरह करते थे। और उसके बाद हमने फिर एक जीप हायर करी, फिर जीप वाला हमें लेके गया आमेर का किला, जो कि जयपुर का प्रसिद्ध किला है। फिलहाल ये जो दिख रहा है ना साइड में, राइट हैंड साइड पे, ये था जोधाबाई का बहुत बचपन का किला, यहीं पे कहते हैं जोधाबाई का जन्म हुआ था।
और यहीं से निकलते हुए आगे के लिए प्रस्थान करते थे वो बड़े महल की तरफ। ये जो महल दिख रहा है ना, ये यहाँ से एंट्री होती थी जहाँ पे जोधा बाई का जन्म हुआ था, और ये किला बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था। फिलहाल हम जा रहे हैं आमेर के किले में, जहाँ पे उनका पूरा बचपन गुजरा था फ्रेंड जोधा बाई का। तो हमने जीप हायर की थी, बहुत ही रिजनेबल प्राइस पे थी वो जीप, उसने हमें पूरा घुमा दिया आमेर के किला और भी कुछ जगह पे घुमाया बहुत ही अच्छे से। तो हम चल दिए थे, निकल दिए हम जीप में, और हमने जाके देखा कि बहुत ही सुंदर ही व्यू था। जैसे मैंने बताया था ना पुष्कर वाले ब्लॉग में कि ये पर्वत श्रृंखलाओं पर बने हुए हैं, और ये यहाँ पे अरावली पर्वत है, तो वही अरावली पर्वत की श्रृंखला पर ये आमेर का किला भी बना हुआ है। बहुत ही दूर दूर तक फैला हुआ था ये किला, और अंदर ही अंदर गए हम, काफ़ी सारा रास्ता बना हुआ था। हमने पहले सोचा कि पता नहीं किस तरीके से कहाँ कहाँ से ले जाएंगे हम, दूर से तो देखने में पहाड़ी लग रहा था, बट जब ये जीप वाले भैया जो वहीं के लोकल थे हमें लेके गए ना, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वहाँ पे रोड बना हुआ था, और बिल्कुल आसानी से देखिए इस तरीके का पहाड़ नज़र आ रहा था, बट उनके बीच में ऐसी तरीके का रास्ता बना हुआ था बहुत ही आसानी से, जो जीप को लेके हमें वहाँ से निकल लिए थे। और हम आमेर के किले पे इतनी ऊंचाई पर भी चढ़ के आ गए, हम देखिए वहाँ बिल्कुल नीचे से आ रहे थे और हम इतनी ऊंचाई तक जीप पे आसानी से चढ़ के आ गए थे फ्रेंड्स। तो देखते रहिए आप भी हमारे साथ साथ, हम आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे आराम से। तो हम पहुंच चुके हैं हम आमेर के किले पे, अब यहाँ पे हमने अपनी जीप पार्क की थी, उसके बाद हम सफ़र का मज़ा लेते हुए आपको बताते जाएंगे। तो फ्रेंड्स बताते हैं कि यहीं पे जोधा भाई का जो बचपन था ना, पूरा बचपन यहीं पे गुजरा था, और ये इतना विशाल इतना बड़ा महल था ना ये, कि हम तो चलते चलते ही थक गए थे फ्रेंड्स, बहुत दूर दूर तक था ये नज़ारा। और जीने भी जो सीढ़ियां बनी हुई थी बहुत ही ऊंची ऊंची और बड़ी बड़ी थी, और ये देखिए कितनी दूर दूर तक फैला हुआ था ये, बहुत ज़्यादा दूर दूर तक। और इतने अच्छे अच्छे जगहों के नाम दिए हुए थे इन्होंने यहाँ पे, बहुत ही सुंदर सुंदर जगहों के नाम थे ये, काफ़ी सारे छोटे छोटे जो ये बना रखे ना दरवाजे, हर दरवाजे का नाम था, और इतनी सुंदर नक्काशी की हुई थी उन सब पे, बहुत ही कलरफुल बहुत ही अच्छा संगमरमर के पत्थरों से बना रखा था ये पूरा किला।
तो फ्रेंड्स हमने 2 दिन तक बहुत ही अच्छे से वहाँ पे घुमाई करी। एक दिन पहले हम होटल पहुँचे और वहाँ पे हमने रात का भी नज़ारा आपको दिखाया, हवा महल, जल महल, रात का नज़ारा, और दिन का नज़ारा भी दिखाया। और वहाँ पे हमने कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई, बहुत ही बढ़िया बढ़िया, हमें बहुत मज़ा आया। ये देखिए हमारी पुरानी यादों की सारी यादें ताज़ा हो गई। भाई